वेलकम टू मेघास किचन। आज मैं अभी बना रही हूँ अल्फांजो पुडिंग। ये बहुत ही झटपट बनने वाली चीज़ है, विद इन 5 मिनट्स बन जाती है। आज जो मैंने केक बनाया था, स्पॉन्ज केक, वनीला केक, आज मैं वही केक को मैंने ऐसे पीसेस में कट किए हैं और ऐसे मैंने जमा दिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड बना हुआ है, ये चीज़ कस्टर्ड से बनती है, ये बहुत ही सिंपल है। आई होप काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता भी है। और ये अल्फांजोस हैं, ठीक है। ये कस्टर्ड अगर नहीं है, आप बना के भी यू कैन जस्ट पुट इट ऑन, एंड जैसे दिल कर रहा है, यू नो, यू जस्ट हैव अ स्वीट कार्विंग, सो यू कैन जस्ट गो ऑन विथ, यू नो, विद इन 5 मिनट्स ऑफ पुटिंग। सो आई जस्ट हैव स्लाइस्ड दीज पीसेस ऑफ केक पीसेस। चलो विल स्टार्ट द वीडियो। आई हैव जस्ट स्लाइस्ड द cake pieces and I've just put it in. And if you don't have by chance cake, you can just go on with this with those Britannia cakes or any kind of sponge cake, and just put these slices over here in any bowl and just pour this custard over this like this. ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इट्स रियली यमी। And then go with some alfanzos. Just ये seasonal food है, fruit है. You can go with any kind of, you know, any kind of fruit. I've put all the custard and alfanzos, and just little is left over. Just pour this also. जो केक के पीसेस मैंने जो कट किए हैं वो मैंने फिर से ऐसे लगा दिए हैं, यू नो, ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा झटपट सा 5 मिनट्स में बनने वाला पुडिंग। ये आप कभी भी बच्चों को कभी भी बना के दे सकते हैं। दिस इज रियली इट इज यमी। सो हियर इट गोज माई अल्फांजो पुडिंग। झटपट से 5 मिनट्स में बनने वाली पुडिंग है। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी मदर्स डे एंड गुड शब खैर। बाय एंड शुभ रात्रि गाइज। बाय।